जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद चौहान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही जवाब है 18 महीने। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम आप सभी जानते हैं, अजय त्यागी नाम है। उनका जो कार्यकाल है इस साल सितंबर के महीने में आखिर में उसमें ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब उस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 के सितंबर में ये एंड होने वाला था, लेकिन अब जो कार्यकाल होगा अजय त्यागी जी का वो फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए भी बढ़ाया था और जब उनके पहले 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है जॉन ह्यूम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड के जो पूर्व राजनीतिज्ञ और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनका नाम था जॉन ह्यूम, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो 83 वर्ष के थे, 83 ईयर्स के। और जॉन ह्यूम अपने देश उत्तरी आयरलैंड से विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा जो है वो खत्म हुई थी। जॉन ह्यूम का जन्म 18 जनवरी 1937 को उत्तरी आयरलैंड के लंदनदेरी शहर में हुआ था और जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक में से एक थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही चर्चा में रहा है, आप सबको मालूम ही होगा, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा। इसका सही जवाब है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। मनोज सिन्हा जो है किसकी जगह लेंगे, वो जीसी मुर्मू की जगह लेंगे, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व उनको सौंपेंगे। और राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनोज सिन्हा का 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा करी है? आपने देखा होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर किस तरह से जो बेरूत है लेबनान का, वहां पर एक विस्फोट हुआ था और एक बहुत ही ख़तरनाक देखने में वो वीडियोज़ जो सामने आए थे बहुत ही भयावह थे वो वीडियोज़, और उसमें कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान गई है और अभी भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और अस्पताल में एडमिट हैं, काफ़ी बुरी तरह से उनको जो है चोटें आई हैं।
तो ये खबरें आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स के तहत। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा करी गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी है और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। विस्फोट के कारण जो है शहर में मील दूर तक इमारतों को नुकसान पहुँचा है और ये धमाका तब हुआ था जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा कि धमाके में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है इयॉन मॉर्गन, ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताइए है कि इयॉन मॉर्गन कहाँ से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं। इयॉन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयॉन मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं उनके और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का जो है वो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 171 छक्कों का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन हो गए हैं? इयॉन मॉर्गन 213 छक्के लगाए हैं, 211 महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड था और 171 जो है वो रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड था और छक्के लगाने में कैप्टन के तौर पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर को अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग एक साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की उन्होंने घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब है एकर कैसिलास। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि इकर कैसिलास ने स्पेन को एक वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने और 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है और वो महज 9 साल की उम्र से रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए थे और उन्होंने क्लब के लिए 16 सीजन 725 मैच खेले और 19 खिताब जीते हैं। स्पेन के लिए उन्होंने 167 मैच खेले हैं और अंडर-20 वर्ल्ड कप का खिताब भी उन्होंने जीता है। अब दोस्तों जो सवाल हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था तो उसका सही जवाब आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो इसका सही जवाब है 4। तो जो रामविलास पासवान जी हैं उन्होंने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जो है 4 और राज्यों को विस्तारित करने की बात कही है। तो यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड जो है वो वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल हो जाएगा और इसके साथ ही इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कुल 24 हो गई है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या फिर लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल क्या है? हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश। अपन जवाब में कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।